ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की पांच बड़ी खबरों का। परिसीमन समिति द्वारा ड्राफ्ट जारी करने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त नगर निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है, जिसको लेकर सभी पार्टियां निगम चुनावों की तैयारी में जुट गई हैं। भाजपा भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने की तैयारी में है, जिसका संबोधन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। दिल्ली सरकार ने फ्री बिजली के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको लेकर भाजपा इसका जमकर विरोध कर रही है और साथ ही आपत्ति भी जता रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जिस वादे को लेकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, उस वादे से उसने यूटर्न ले लिया है। शायद अरविंद केजरीवाल का रेवड़ी कल्चर उन्हीं पर भारी पड़ गया। तो वहीं फ्री बिजली की आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा और कहा कि आपकी फ्री बिजली तो गई। फ्री बिजली चिल्लाने वाले छोटे रिचार्ज ने अब नई स्कीम निकाली है, बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की अब शुरुआत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के नासिरपुर की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एक शख्स महिला को बुरी तरह से पीटता और अपशब्द बोलता सुनाई दे रहा है। महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और कहा कि आम आदमी जिस तरह से हाथ में चाकू लिए महिला को बीच सड़क पर घसीट रहा है, ये बेहद विचलित करने वाला है। दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द FIR दर्ज कर इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाले। भाजपा ने दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वीडियो में साफ बताया जा रहा है कि कमीशन सरकार ने तय किया था 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ की फीस इसलिए रखी गई ताकि छोटा मोटा प्लेयर बीच में आ ना पाए, जबकि ये पॉलिसी इस आधार पर बनाई जाती है कि छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिल सके। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग इन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर